रांची में माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्या के बाद राजधानी के कई इलाकों में आदिवासी नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। हत्या के विरोध में आदिवासी नेताओं ने बुलाया झारखंड बंद, जिसका असर देखने को मिला। पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आधार कार्ड में छेड़छाड़ करने की कोशिश के आरोपी को बिहार के मुजफ्फरपुर से किया गया गिरफ्तार। अहमदाबाद पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी को कांटी थाना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। खगड़िया में दर्जनों महिलाओं से लाखों के जेवरात और अन्य कीमती सामान की ठगी। घटना गोगरी थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव की। पीड़ित के मुताबिक दो महिलाओं ने उन्हें लालच देकर उनसे महंगे सामानों की ठगी। गया के विष्णुपुर थाना पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे तीन अपराधियों को किया गिरफ्तार। इनके पास एक देसी सिक्सर, एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस और दो बाइक भी बरामद। जमुई में सोनो थाना की पुलिस ने विदेशी शराब की एक बड़ी खेप को किया जब्त। चकाई से सोनो की तरफ आ रही एक कार की तलाशी के दौरान मिला 140 बोतल विदेशी शराब। पुलिस ने मौके से एक युवक को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में एडमिशन नहीं होने से नाराज छात्रों ने प्रिंसिपल के ऊपर फेंकी स्याही। इसके बाद उन्हें उनके इन चैम्बर में किया बंद। मौके से पुलिस ने एक छात्र को किया गिरफ्तार। बोकारो में बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 111 सदस्य पदयात्रा कर रांची के लिए निकले। ये लोग मानसून सत्र के दौरान विधानसभा पहुंचेंगे। लगभग 5 दिनों की यात्रा के बाद ये जत्था रांची पहुंचेगा। ठाकुर के महेशपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव स्थित एक घर में मिला 47 डसल वाइपर सांप। दरअसल बच्चे ने एक सांप को देखा, उसके बाद वन विभाग की टीम ने पहुंचकर घर से कुल 47 जहरीले सांप को निकाला। हजारीबाग जिला के भरी थाना क्षेत्र से चोरों ने एक एटीएम मशीन को लिया उखाड़। मशीन के साथ अपराधी वहां पर रखी एक गाड़ी को भी लेकर हुए फरार। पुलिस चोरों की कर रही तलाश। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड में हाथियों का उत्पात। नागाबाद पंचायत में हाथियों ने न सिर्फ फसल और घरों को पहुंचाया नुकसान, बल्कि एक स्कूल में रखे सब्जी और अनाज को भी किया चोरी। बेगूसराय के एक स्कूल में घुसकर एक बच्चे के पिता ने दूसरे बच्चों की बेरहमी से पिटाई। मौके पर शिक्षक मौजूद थे, लेकिन किसी में रोकने की हिम्मत नहीं। बरौनी प्रखंड के रूपनगर उत्कल मध्य विद्यालय का है मामला। चाईबासा के जोड़ा पोकर चौक पर नक्सलियों ने लगाया बैनर और पोस्टर। इस पोस्टर में नक्सलियों ने अपने आंदोलन को सफल बनाने की अपील। साथ ही कोल्हान वन क्षेत्र से सीआरपीएफ का कैंप हटाने की भी दी धमकी। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र की रहने वाली रीना देवी की जहर खाने से मौत। मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर जान से मारने का लगाया आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जमुई में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर निकाला पैदल मार्च। मार्च के बाद कार्यकर्ताओं ने झाझा के कर्पूरी चौक को कर दिया जाम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव का पुतला दहन। रोहतास जिला के डेहरी में मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन सतर्क। इसे लेकर डेहरी में निकाला गया फ्लैग मार्च। मार्च के दौरान एसडीओ अनिल कुमार सिन्हा और एएसपी शुभांग मिश्रा भी रहे मौजूद। पटना के गौरीचक में एक स्कूल बस और पिकअप वैन के बीच जोरदार टक्कर। घटना के दौरान बस में सवार आधा दर्जन छात्र छात्राएं घायल। प्राथमिक उपचार के बाद सभी छात्र को भेजा गया स्कूल। धनबाद के पूर्व विधायक संजीव सिंह की इच्छा मृत्यु के आवेदन को कोर्ट ने कर दिया अस्वीकार। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को दिया निर्देश, उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती कर कराया जाए इलाज। पूर्वी सिंहभूम के नवनियुक्त उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने किया पदभार ग्रहण। उन्हें विजया यादव ने सौंपा पदभार। जिप सदस्यों ने किया जोरदार स्वागत। मणिपुर हिंसा और महिला उत्पीड़न की रोकथाम को लेकर यूनाइटेड फोरम पीस एंड जस्टिस ने जमशेदपुर में किया प्रदर्शन। फोरम ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपा एक ज्ञापन। धनबाद के बलियापुर प्रखंड सभागार में पंचायत समिति की मासिक बैठक संपन्न। बैठक में सुखाड़ पर चर्चा, साथ ही किसानों को कई अन्य समस्याओं पर भी बातचीत।